हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको एक नए सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं, जो कि स्टेशन मास्टर के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है और रेलवे इस चीज को कुछ स्टेशन में इम्प्लीमेंट भी कर चुकी है। तो कौन सा डिवाइस है, अब हम आगे समझते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसके जस्ट पिछले वाली वीडियो में हमने लोको पायलट के लिए बनाया गया DBDMS डिवाइस के बारे में जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। और आज की वीडियो में मैं आपको स्टेशन मास्टर वाले डिवाइस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप इस डिवाइस का नाम जान लीजिए। इस डिवाइस का नाम है सेफ्टी पॉइंट अलार्म सिस्टम, जो कि इफेक्ट्रॉनिक्स कंपनी द्वारा बनाया गया है। और ये कंपनी विजयवाड़ा में सिचुएटेड है और ये पहले से ही रेलवे के लिए बहुत सारी चीजें बनाती है, जिसमें कि डाटा लॉगर और साथ ही साथ स्टेशन मास्टर के पैनल भी शामिल है। और उसके बाद ये अब नया डिवाइस भी लेके आ गई है, जिसका नाम है सेफ्टी पॉइंट अलार्म सिस्टम। अब सबसे पहले तो आप इसकी जरूरत समझिए कि आखिर क्या थी, उसके बाद फिर मैं आपको इसका काम समझाता हूँ। अभी हाल फिलहाल में ही 3 रेलवे में बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें कि पहला है सिंहपुर कॉलिजन, जिसमें कि एक मालगाड़ी खड़ी थी और पीछे से दूसरी मालगाड़ी ने आके भेड़ दिया था उसको। ये एक्सीडेंट है 19 अप्रैल 2023 का और इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद 2 जून 2023 को बैंगा बाजार रेलवे स्टेशन में बालासोर के पास में कोरोमंडल एक्सप्रेस का रेल हादसा हुआ, इसमें भी बहुत सारे लोगों की जान गई थी। आप चाहे तो डेडिकेटेड वीडियो है मेरा, वो देख सकते हैं जाके, आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। और उसके भी कुछ ही दिनों बाद 25 जून 2023 में बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के ओंडा ग्राम में एक और मालगाड़ी को पीछे दूसरी मालगाड़ी ने आके भेड़ दिया था, तो वो भी काफी बड़ा एक्सीडेंट था। इन तीनों के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप जाके समझ लीजिए उन वीडियो से कि आखिर इनमें क्या हुआ था। अब इन एक्सीडेंट्स के बाद रेलवे ने एक चीज सोची, अब ये डिवाइस के वर्किंग के लिए। अब सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि कोई भी ट्रेन जब भी कोई रेलवे स्टेशन में जाती है और जैसे ही मेन लाइन से वो दूसरी कोई लूप लाइन में चले जाती है, लूप लाइन का मतलब हो गया जो भी मेन लाइन से अलग वाली लाइन रहती है, तो वहाँ पर जैसे ही ट्रेन एंटर हो जाती है तो उसके तुरंत बाद स्टेशन मास्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि जो पीछे वाला पॉइंट है उसको चेंज करके किसी खाली लाइन की तरफ में लगा दिया जाए। पॉइंट का मतलब होता है जहाँ से ट्रेन ट्रैक को चेंज करती है। तो स्टेशन मास्टर का काम ये है कि कोई भी गाड़ी आने के बाद पीछे वाला जो उसके पॉइंट है उसको किसी दूसरी डायरेक्शन में लगा दे, ताकि मान लीजिए पीछे से अगर कोई दूसरी गाड़ी आ भी गई और मान लीजिए लोको पायलट ने गलती कर दी और रेड सिग्नल पार होके भी गाड़ी वो आ गई, तब भी वो गाड़ी यहाँ जो पहले से कोई ट्रेन खड़ी है उसमें ना जाके टकराए, बल्कि किसी दूसरी लाइन पर चले जाए, जिससे कि यहाँ पर 2 ट्रेन का कॉलिजन रोका जा सकता है। तो ये स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी ट्रेन के आने के बाद पॉइंट को चेंज कर दिया जाए। और इसी जिम्मेदारी के लिए यहाँ पर ये डिवाइस को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है सेफ्टी पॉइंट अलार्म सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या करता है कि स्टेशन मास्टर को एक वार्निंग देता है, और वो वार्निंग किस लिए रहती है, तो वार्निंग पॉइंट को चेंज करने के लिए रहती है। मतलब कि मान लीजिए कोई भी गाड़ी एंटर कर गई है किसी लूप लाइन में और उसका फॉलिंग मार्क क्लियर हो गया है। फॉलिंग मार्क का मतलब है कि वो पूरी की पूरी ट्रेन एक लूप लाइन में आ चुकी है और मेन लाइन पे उसका कोई भी भाग नहीं बचा है। तो जैसे ही वो ट्रेन पूरी की पूरी एक लाइन में आ जाती है और मान लीजिए वो अगर खड़ी हो जाती है, तो स्टेशन मास्टर का काम ये है कि पीछे के पॉइंट को चेंज कर दिया जाए। और अगर स्टेशन मास्टर ऐसा नहीं करता है तो उसी के लिए ये डिवाइस उसको वार्निंग देगा। जैसे ही ट्रेन आ जाती है उसके बाद अगर 3 मिनट तक स्टेशन मास्टर ने वो पॉइंट को चेंज नहीं किया, तो तुरंत ही फिर ये डिवाइस ऑन हो जाएगा और इसमें ऑडियो विजुअल अलार्म लगा हुआ है जो कि बजते रहेगा और स्टेशन मास्टर को ये चीज का आगाह करेगा कि पॉइंट को दूसरी डायरेक्शन में लगा दें, जिससे कि मान लीजिए अगर कोई पीछे गाड़ी आ भी गई और वो अगर रेड सिग्नल पार भी कर दी, तब भी 2 गाड़ियां आपस में ना टकराएगी। और इसमें भी देखिए वेरिएशन है, अगर सिंगल लाइन रहती है तो उसमें ट्रेन आगे से भी सेम लाइन पर आ सकती है और साथ ही साथ पीछे से भी आ सकती है। तो सिंगल लाइन में जहाँ भी ये ट्रेन लूप लाइन में खड़ी है, तो उसके आगे वाला पॉइंट और साथ ही साथ पीछे वाला पॉइंट, मतलब कि फ्रंट पॉइंट और रियर पॉइंट, दोनों को स्टेशन मास्टर को खाली डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। और वहीं अगर डबल लाइन वर्किंग है तो उसमें अप और डाउन लाइन्स अलग अलग रहती है और सारी ट्रेन्स अलग अलग जाया करती हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर को रियर पॉइंट को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। अब वो ऑडियो विजुअल अलार्म कैसा रहता है आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूँ। For the kind attention of station master, you have not operated the point as per rule after train has arrived. Please operate the point as per the rules. Southern master mahoday, krupya dhyan de, apni gaadi agaman ke paschat, niyamanusar point reversal prakriya ko pura nahi kiya hai. Krupya, niyamanusar point reversal prakriya ko sunishchit kare. For the kind attention of station master, you have not operated the point as per rule after train has... तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि ऑडियो विजुअल अलार्म कैसा रहता है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में बजता है और इसी के साथ साथ इसमें एक बजर भी लगा रहता है, वो भी बजते रहता है। और जैसे ही ये बजर या फिर अलार्म बजेगा तो उसके बाद स्टेशन मास्टर को इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, मतलब कि एक बटन रहता है एक्नॉलेजमेंट का, उसको स्टेशन मास्टर को दबाना पड़ेगा और उसके बाद भी उसमें रेड LED लाइट रहती है, वो जलती ही रहेगी जब तक कि स्टेशन मास्टर पॉइंट को चेंज नहीं कर देता। फिर जैसे ही स्टेशन मास्टर पॉइंट को चेंज कर देगा तो फिर ये डिवाइस अपने आप ही बंद हो जाएगा, वो रेड LED भी बंद हो जाएगी और साथ ही साथ वो पूरा का पूरा एक्नॉलेज भी हो जाएगा।
अब लेकिन आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा, मान लीजिए अगर सारी लाइन से ऑक्यूपाइड है तो फिर स्टेशन मास्टर किस तरफ का पॉइंट लगाएगा। तो अगर ऐसा होता है कि सारी लाइन से ऑक्यूपाइड है और जितनी भी लाइन्स है उन सब में ट्रेन्स खड़ी है, तो उसके बाद ये डिवाइस यहाँ पर नहीं बजेगा और साथ ही साथ यहाँ पर अब स्टेशन मास्टर अपने मन से पॉइंट लगा सकता है कहीं भी, या फिर पॉइंट को वहीं पे ही रहने देगा क्योंकि यहाँ पर सारी लाइन्स ऑक्यूपाइड है, तो उस टाइम पर यहाँ पर ऑडियो विजुअल अलार्म नहीं बजेगा। और साथ ही अगर आपको एक और चीज का डाउट होगा कि क्या ये खुद ही ऑपरेट कर देता है पॉइंट को, तो मैं बता दूं ऐसा नहीं है। ये सिर्फ स्टेशन मास्टर को एक वार्निंग देने के लिए बनाया गया है, या फिर ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि हेल्प करने के लिए बनाया गया है। ये खुद से पॉइंट को चेंज नहीं करता। अगर स्टेशन मास्टर यहाँ पर गाड़ी के आने के बाद 3 मिनट में पॉइंट चेंज नहीं करेगा तो सिर्फ ऑडियो विजुअल अलार्म जनरेट करता है। साथ ही मैं आपको कुछ और चीजें इसके बारे में बता दूं, तो 24 वोल्ट डीसी पर ये काम करता है और -10 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक के आराम से वर्किंग कर सकता है, जिससे कि पूरे इंडिया भर में इसको कहीं भी लगाया जा सकता है। साथ ही साथ ये डाटा लॉगर से भी जुड़ा हुआ रहता है। और डाटा लॉगर का मतलब क्या है, तो वो एक ऐसी चीज है जिसमें कि स्टेशन मास्टर के सारे ऑपरेशन रिकॉर्ड होते रहते हैं हर स्टेशन में। मतलब कि जैसा एरोप्लेन के लिए ब्लैक बॉक्स रहता है जिसमें कि एरोप्लेन के सारे ऑपरेशन या फंक्शन उसमें रिकॉर्ड होते रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर डाटा लॉगर भी होता है हर रेलवे स्टेशन में, जो कि स्टेशन मास्टर के सारे ऑपरेशन को रिकॉर्ड करता है। तो ये डिवाइस डाटा लॉगर से भी कनेक्टेड रहेगा और डाटा लॉगर में अगर आप जानकारी निकालेंगे तो आपको ये पता भी लग जाएगा कि ये डिवाइस आखिर कब कब बजा है। उसके बाद ये डिवाइस से कंट्रोल ऑफिस में भी मैसेज जाएगा, वहाँ पर भी ये चीज साफ साफ दिखाई पड़ेगी कि कहाँ पर स्टेशन मास्टर ने पॉइंट नहीं लगाया है और कहाँ पर इसको लगाने की जरूरत है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं, तो ये टोटल 7 लाइन्स को ही मैक्सिमम मॉनिटर कर सकता है, 7 लाइन से ज्यादा ये मॉनिटर नहीं कर सकता। तो ये डिवाइस की वजह से स्टेशन मास्टर हमेशा आगाह हो जाएंगे और 2 ट्रेन्स के कॉलिजन को रोक पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो कोई भी ट्रेन के आने के बाद पॉइंट को किसी खाली लाइन की डायरेक्शन में लगा देंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं, ये जो सिस्टम है मतलब कि सेफ्टी पॉइंट अलार्म सिस्टम, तो ये RDSO द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया है। और RDSO क्या है, तो ये है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रेलवे की जितनी भी चीजें होती है सबकी जाँच करती है और बराबर पता लगाती है कि वो चीज सही है या फिर नहीं है। साथ ही साथ ये डिवाइस में ISO मार्क भी है, जिससे कि ये चीज पता लगती है कि ये डिवाइस एकदम बराबर प्रॉपरली वर्क करता है, और इसीलिए यहाँ पर RDSO ने इसको अप्रूव किया है और यहाँ पर ISO द्वारा इसकी मान्यता प्राप्त है। तो आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे इस डिवाइस के बारे में। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम एक और डिवाइस के बारे में जानेंगे जो कि कोंकण रेलवे ने बनाया है, और उससे रेल बर्न या फिर चक्के में कोई भी दिक्कत आती है तो उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।